भारत में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी कई लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। सरकार ने फालतू घूम रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं। ऐसे में पुलिस भी एक्शन में है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस अजब गजब तरीके अपना रही है। पहले पुलिस के लाठीचार्ज के वीडियो वायरल हुए, अब पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की आरती उतार रही है, जिससे लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दो लड़कों की आरती कर रही है, जिसको देखकर लड़कों ने शर्म के मारे हाथ जोड़ लिए। पुलिस ने लोगों को घर में रोकने का नायाब तरीका निकाला है। वहीं नोएडा सेक्टर 66 ममूरा में कल दोपहर यानी 29 मार्च को कुछ ऐसा देखने को मिला। लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए रोजमर्रा का सामान इकट्ठा करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जा उड़ाते हुए भीड़ की एक कतार बना डाली, जिसमें वे सभी एक दूसरे से सटे हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 1071 मामले सामने आए हैं। इस बीमारी से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात यह है कि 100 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज़।